let's start with today's lesson. That is again about the synaptic transmission. We discussed about the synaptic transmission. कि किस तरीके से जैसे ही एक्शन पोटेंशियल आपके एक्सॉन टर्मिनल रीजन तक पहुंचता है और कैसे फिर न्यूरो ट्रांसमीटर का रिलीज होता है और जो सिग्नल है न्यूरो ट्रांसमीटर की हेल्प से दूसरे जो हमारे रिस्पेक्टिव न्यूरोन है उस तक जाता है. ठीक है, वी कवर दैट पोर्शन. सो इन समरी फॉर्म में अगर यहाँ से समझे तो सबसे पहले हमने देखा था कि अगर ये हमारा एक्सॉन है, दिस इज द एक्सॉन ऑफ फर्स्ट न्यूरोन. फर्स्ट न्यूरोन कौन सा, जिसके अंदर सिग्नल या स्टिमुलाई कैसे आया था, बाय द ओपनिंग ऑफ द मैकेनिकल गेटेड आयन चैनल्स. और ये मैकेनिकल गेटेड आयन चैनल प्रेशर के रिस्पेक्ट में ओपन होती है और इनके ओपनिंग की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ. ठीक है, तो फर्स्ट न्यूरॉन के अंदर जितना भी सिग्नल या स्टिमुलाई आया था वो कैसे आया था, मैकेनिकली आया था. इंड्यूस मतलब जिसका जो इंडक्शन था वो मैकेनिकली इंडक्शन हुआ था. लेकिन सेकंड जो न्यूरॉन होगा, बिकॉज ऐसा तो है नहीं कि जो हमारे न्यूरोनल सेल्स है वो उनका एक एंड आपके सेंसरी रिसेप्टर्स मतलब उनके सेंसरी ऑर्गन्स के पास होता है या उनका एक एंड उनके कमांडिंग रीजन तक होता है, ऐसा नहीं होता है. बहुत सारी यहाँ पे सीरीज ऑफ न्यूरॉन्स है जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं और सिग्नल का ट्रांसमिशन होता है. सो इट इज नॉट पॉसिबल कि एवरी टाइम आप मैकेनिकल गेटेड आयन चैनल्स को ओपन करें और सिग्नल को ट्रांसमिट करें. सो इन दैट केस जो न्यूरोनल सेल्स होती है, न्यूरोनल सेल अपने टर्मिनल रीजन से कुछ स्पेसिफिक टाइप के ट्रांसमीटर को रिलीज करती है जिन्हें हम कहते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर. ये न्यूरो ट्रांसमीटर एक्साइटरी इनहिबिटरी दोनों नेचर के होते हैं. एक्साइटरी इनहिबिटरी का मतलब कि या तो वो आपके रिस्पेक्टिव न्यूरोन हो, जो ऐसा न्यूरोन होगा उसको इनहिबिट कर सकते हैं या फिर उसे एक्साइट भी कर सकते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जब आपका न्यूरोट्रांसमीटर अगर गाबा रिलीज होता है तो जो भी आपका सेकेंड न्यूरॉन होगा वो इनहिबिटरी फंक्शन शो करेगा. लेकिन अगर यहाँ पे जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो रिलीज होता है आपका एपिनेफ्रिन या नोरएपिनेफ्रिन, तो उस केस के अंदर जो रिस्पॉन्स होगा इट इज एक्साइटरी इन इट्स नेचर. सो इट डिपेंड्स कि कौन सा वेसिकल के अंदर से आपका न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ है. सो ये जो वेसिकल्स होती है इनके अंदर अलग अलग टाइप के न्यूरोट्रांसमीटर फिल्ड होते हैं. ठीक है, उनका अलग अलग रिस्पॉन्स होता है और कौन सी वेसिकल जाके मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करके अपने ट्रांसमीटर को रिलीज करेगी ये डिपेंड करेगा कैल्शियम चैनल्स के ऊपर कि कितने अमाउंट में कैल्शियम चैनल्स ओपन हो रही है, किस कॉन्सेंट्रेशन के अंदर कैल्शियम का इनफ्लक्स हो रहा है. ठीक है, सो वी कैन से कि द अमाउंट ऑफ रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर डिपेंड अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम. सो वी कैन राइट इट अमाउंट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज is directly proportional to the amount of calcium ion that enter, right? So it depends. Because we discussed in last lesson कि ये जो reason होता है ये presynaptic membrane के अंदर बहुत सारे knob-like structures होते हैं और इन knob-like structure को ही हम लोग synaptic knob कहते हैं. और क्योंकि साइनेप्टिक ये जो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर बहुत सारे इवन 10,000 से लेके 2 लाख तक यहाँ पे आपको साइनेप्टिक नोव देखने को मिलते हैं. सो इट डिपेंड्स कि सारे के सारे वेसिकल्स तो जाके फ्यूज नहीं करती ना, इसलिए कितनी वेसिकल्स जाके मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करेगी ये डिपेंड करेगा कि कैल्शियम का इनफ्लक्स कितना हुआ है, कितनी कैल्शियम गेटेड आयन चैनल्स की ओपनिंग हुई है. ठीक है, और कैल्शियम आयन चैनल्स कब ओपन हुई थी, जब इस एक्सॉन टर्मिनल रीजन के अंदर पोटेंशियल के अंदर डिफरेंस आया था तब. वी ऑलरेडी डिस्कस दैट. सो अगर हम समराइज करें उस पूरी प्रोसेस को, सो फर्स्ट स्टेप होता है एक्शन पोटेंशियल रीचेस द प्री साइनेप्टिक टर्मिनल. के जो एक्शन पोटेंशियल जो वेव ऑफ डीपोलराइजेशन अलोंग द एक्सॉन रीजन ट्रेवल कर रही थी वो एक्सॉन टर्मिनल रीजन पर पहुंचेगी. जैसे वो एक्सोनल टर्मिनल रीजन पर पहुंचती है वहां पे डीपोलराइजेशन होता है ऑफ प्री साइनेप्टिक टर्मिनल, जिसके वजह से यहाँ पे आयन चैनल्स की ओपनिंग होती है. और कौन सी आयन चैनल्स, कैल्शियम गेटेड आयन चैनल्स. और ये कैल्शियम गेटेड आयन चैनल्स भी वोल्टेज गेटेड कैल्शियम आयन चैनल्स होती है जो ओपन होती है. और जैसे ये ओपन होगी क्योंकि यहाँ पे आपका पैसिव डिफ्यूजन होता है,
और कैल्शियम भी आपके जो आउटर एनवायरनमेंट है यानी कि हमारे ई सेफ के अंदर कैल्शियम का अमाउंट जस्ट लाइक योर सोडियम बहुत ज्यादा प्रेजेंट होता है। इसीलिए जैसे वॉटर्स गेटेड आयन चैनल ओपन होती है कैल्शियम का एक फ्लक्स होने लगता है। और ये बात हमने यहीं पे डिस्कस करी कि कैल्शियम के इनफ्लक्स के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि कितने अमाउंट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होंगे। ठीक है, थर्ड स्टेप है कैल्शियम ट्रिगर द रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर फ्रॉम वेसिकल। और ये ट्रिगर कैसे होता है, क्योंकि कैल्शियम जो होता है कुछ स्पेसिफिक टाइप के प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम कहते हैं रिलीज साइट। और ये रिलीज साइट कहाँ पे प्रेजेंट होगी, जो आपकी वेसिकल्स होती है इनके सरफेस के ऊपर ऐसे रिलीज साइट्स लगी होती हैं और इन रिलीज साइट के ऊपर आके कैल्शियम आके बाइंड करता है। जैसे कैल्शियम इन पे बाइंड करता है वेसिकल्स जो होती है वो पुश होने लगती है मेम्ब्रेन की तरफ। ठीक है, सो शॉर्ट फॉर्म में हम कह सकते हैं कैल्शियम ट्रिगर द रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर फ्रॉम वेसिकल्स। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड टू रिसेप्टर साइट्स ऑन पोस्टसिनेप्टिक मेम्ब्रेन। जैसे न्यूरोट्रांसमीटर की जो वेसिकल्स है मेम्ब्रेन के साथ यहाँ पे फ्यूज होती है, जितना भी न्यूरोट्रांसमीटर इसके अंदर फेड था वो सारा का सारा रिलीज होता है आपके एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। और ये जो रीजन होता है जो दो मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट है इसे हम कहते हैं साइनेप्टिक क्लैफ्ट। सो वी कैन से कि न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कहाँ पे होगा, साइनेप्टिक क्लैफ्ट में। और साइनेप्टिक क्लैफ्ट कोई खाली स्पेस नहीं होता, उसके अंदर भी फ्लूइड फिल्ड होता है। सो आपको ध्यान रखना है कि ईसीएफ के अंदर वो सारे आयंस भी आपको मिलेंगे जो कि ऑलरेडी हमारे, हमने यहाँ पे जब मैंने स्टार्टिंग में आपको ईसीएफ की कंपोजिशन बताई थी तो उस टाइम पे हमने डिस्कस किया था कि ईसीएफ के अंदर, एक सेकेंड, यस, सो ईसीएफ के अंदर हमारे कौन कौन से प्रेजेंट थे, मतलब आयंस प्रेजेंट थे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप इज पोस्टसिनेप्टिक चैनल रिसेप्टर्स। We discuss that portion कि yes, हमारी जो डेंड्रिटिक सेल्स होती हैं, डेंड्राइट्स जो होते हैं, उन डेंड्राइट्स के सरफेस पर अगेन कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। और इन रिसेप्टर्स का काम क्या होता है, इन रिसेप्टर्स के साथ आयन चैनल्स लिंक्ड होती है। इन आयन चैनल्स की खास बात क्या होती है, इन आयन चैनल्स को हम लोग कहते हैं ligand gated आयन चैनल्स। ये आयन चैनल सभी ओपन होती है जब लाइगेंड आगे इनके सरफेस के ऊपर बाइंड करता है। ठीक है, तो ये जो रिसेप्टर्स हैं इनके लिए लाइगेंड कौन करेगा, लाइगेंड की तरह काम करेंगे न्यूरोट्रांसमीटर। जो न्यूरोट्रांसमीटर आपकी मतलब जो प्रीसाइनेप्टिक मेम्ब्रेन है वहां से रिलीज हुए हैं वो एक लाइगेंड की तरह काम करेंगे और इन रिसेप्टर्स के ऊपर बाइंड करेंगे। जैसे रिसेप्टर के ऊपर ये लाइगेंड बाइंड करेंगे ये रिस्पेक्टिव चैनल्स इनके साथ जो भी एडजेसेंट आपके आयन चैनल्स लिंक्ड होती है उनको ओपन करेगा। और कौन सी आयन चैनल्स लिंक्ड होती है, इनके साथ हमारी सोडियम आयन चैनल्स लिंक्ड होती है। राइट, सो व्हाट वी कंक्लूड फ्रॉम दिस कि जो डेंड्रिटिक सरफेस होता है, डेंड्राइट्स का सरफेस होता है उसके ऊपर मैकेनिकल गेटेड आयन चैनल्स तो मैकेनिकल गेटेड आयन चैनल ओपन होगी। और अगर प्रेशर ना पड़ा तो उसमें क्या होगा, यस, अगर यहाँ पे अगर प्रेशर नहीं पड़ा है कोई लाइगेंड आप सराउंडिंग में प्रेजेंट रिजल्ट क्या निकलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर चेंज। पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर चेंज इसलिए जरूरी है क्योंकि वेव का जो इनिशिएशन है, डिपोलराइजेशन की वेव इनिशिएट तभी होगी जब पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर चेंजेस आएंगे। इसीलिए दोनों टाइप की चैनल, आइदर इट इज लाइगेंड गेटेड और द मैकेनिकल गेटेड, दोनों का मेन फंक्शन क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर चेंज लाना। ठीक है, डिपेंड करेगा कि कौन सी आयन चैनल आपकी ओपन होगी, ये डिपेंड करेगा कि आपका न्यूरॉन एक्साइट कैसे हो रहा है, स्टिमुलस को रिसीव कैसे कर रहा है। ठीक है, स्टिमुलस रिसीव करना कोई डिफिकल्ट टर्म नहीं है, हम बस इसे कह देते हैं। स्टिमुलस का मतलब यही है कि मैकेनिकल चैनल या लाइगेंड गेटेड चैनल ओपन हो, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो और पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से एक्शन पोटेंशियल का जनरेशन यहाँ पे हो, वेव ऑफ डिपोलराइजेशन का इनिशिएशन। ठीक है, सो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, लेट मी इरेज दिस।
Next step is opening and closing of channels cause change in postsynaptic memory. ठीक है? Okay. So opening and closing of channels cause change in postsynaptic membrane potential. के जैसे ही membrane की जो channels होती है हमने discuss किया किसके साथ यहाँ पे potassium channels linked होती है और उन potassium channels की opening की वजह से सोडियम आयन का नॉट पोटाशियम एक्चुअली सोडियम सोडियम चैनल्स हमारी लिंक्ड होती है और सोडियम आयन चैनल्स की ओपनिंग की वजह से सोडियम का इनफ्लक्स होता है. रीजन इज अगेन वही सेम प्रोसीजर, क्योंकि सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन बाहर बहुत ज्यादा होती है अंदर कम होती है और यहाँ पे क्योंकि पैसिव डिफ्यूजन होना है मेम्ब्रेन के चैनल्स के थ्रू, इसीलिए जो पैसिव डिफ्यूजन होता है उसमें हमेशा आयन्स ट्रेवल करते हैं फ्रॉम द हायर इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट टू द लोअर इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट. ठीक है, और हायर कॉन्सेंट्रेशन है हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड में एज कम्पेयर टू इंट्रा सेलुलर फ्लूड. इसलिए जैसे ही आपकी लाइगैंड गेटेड चैनल्स ओपन होती हैं उनसे सोडियम गेटेड चैनल्स ओपन होगी, सोडियम का इनफ्लक्स शुरू हो जाएगा और सोडियम के इनफ्लक्स से पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन का जो पोटेंशियल है वो चेंज हो जाता है. ठीक है, सो कीप इन योर माइंड कि जो हम साइनेप्सिस रीजन रखते हैं, साइनेप्सिस रीजन एक कलेक्टिव टर्म है जिसमें तीन चीजें आती हैं. फर्स्ट वन प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन जो एक्साइटरी इन नेचर होती है, जो एक्साइटेशन को इंड्यूस करती है, साइनेप्टिक क्लेफ्ट और साइनेप्टिक स्पेस जो कि बीच में प्रेजेंट होता है दो रिस्पेक्टिव मेम्ब्रेन के बीच में. इस स्पेस के अंदर फ्लूइड फिल्ड होता है और बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर अवेलेबल होते हैं जो हमारी प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के वेसिकल से रिलीज होते हैं. पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन उसका थर्ड पार्ट होता है, किसका, साइनेप्सिस का. और ये आपका जो थर्ड पार्ट होता है इसकी नेचर इनहिबिटरी और एक्साइटरी दोनों होती है. डिपेंड करता है कि जो लाइगेंड होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि किस तरीके का रिस्पॉन्स वो शो करेगी. सिक्स स्टेप इज प्रोपेगेट. यहाँ से जैसे एक्शन पोटेंशियल प्रोपेगेट होगा वापस से जो सेम मैकेनिज्म है उसका इनिशिएशन हो जाता है. कौन सा मैकेनिज्म? -60, जैसे हम लोग थ्रेशोल्ड स्टिमुलस भी कहते हैं, -60 होते ही हमारी जो वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स है वो ओपन हो जाती है, उनके ओपनिंग से अगेन सोडियम का इनफ्लक्स होता है, वापस से एक्शन पोटेंशियल का जनरेशन होता है. सो सेम आपका जो वेव है वो ट्रेवल करती है. ठीक है, अब देखिए इतनी प्रोसेस हो गई, इस सेल को इंड्यूस करना, दूसरे न्यूरोनल सेल को इंड्यूस करना था, उसके अंदर एक्शन पोटेंशियल का जनरेशन करना था. जनरेशन हो गया, ऐसे हुआ न्यूरोट्रांसमीटर की रिलीज से. ठीक है, इतनी बात क्लियर है. अब क्वेश्चन ये आता है कि न्यूरोट्रांसमीटर ने अपना काम कर दिया, उसने रिलीज किया, उसने एक्साइट किया या इनहिबिट किया रिस्पेक्टिव न्यूरोनल सेल को. नाउ व्हाट विल हैपन विद न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर के साथ क्या होगा? आइदर इट इज डीग्रेड, या तो वो डीग्रेड हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर न्यूरोट्रांसमीटर सराउंडिंग एनवायरमेंट में अवेलेबल रहा तो वो कंटिन्यूअसली सिग्नल भेजे जाएगा ना, इसीलिए उस न्यूरोट्रांसमीटर को उस ईसीएफ में से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में से रिमूव भी करना होता है. और वो रिमूव कैसे करेंगे, या तो न्यूरोट्रांसमीटर इनएक्टिवेट हो जाते हैं, या उनका डिग्रेडेशन हो जाता है, या उनको ट्रांसपोर्टेड बैक कर दिया जाता है, वापस भेज दिया जाता है प्री साइनेप्टिक टर्मिनल रीजन में, जिसमें अगेन वो वेसिकल के अंदर पैक्ड हो जाते हैं और स्टोर हो जाते हैं. आपने एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस तो पढ़ा ही होगा. एंडोसाइटोसिस में क्या होता है, एक होता है जो वेसिकल्स होती है एक्सोसाइटोसिस के थ्रू अपना सारा का सारा मटेरियल बाहर रिलीज कर देती है और मेम्ब्रेन के अंदर फ्यूज हो जाती है. ठीक है, और उसी तरीके से एंडोसाइटोसिस होता है जिसमें मेम्ब्रेन जो है वेसिकल की फॉर्मेशन करती है और एनगल्फ कर लेती है बाहर जो मटीरियल है उसको. ठीक है, ये आपने सेल बायोलॉजी में पढ़ा होगा. सो इसी तरीके से आपकी जो न्यूरोट्रांसमीटर वेसिकल है जब वो फ्यूज होती है मेम्ब्रेन के साथ, जब उन्हें न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करना होता है तो वह एक्सोसाइटोसिस को परफॉर्म करती है, और जब उन्हें उन्हें वापस उन न्यूरोट्रांसमीटर को बैक लेना होता है तो वह अगेन आपकी मेम्ब्रेन वेसिकल की फॉर्मेशन करती है और उसका एंडोसाइटोसिस हो जाता है. राइट, सो न्यूरोट्रांसमीटर इज इनएक्टिवेटेड और ट्रांसपोर्टेड बैक टू प्री साइनेप्टिक टर्मिनल. ठीक है, इतना पोर्शन आपका क्लियर हुआ कि हमारा एक न्यूरोनल सेल एक्साइट हुआ, उसने सिग्नल भेज दिया दूसरे न्यूरोनल सेल को. अब दूसरे न्यूरोनल सेल में क्या होने वाला है, दूसरे न्यूरोनल सेल में अगेन वापस से वही चीज होने वाली है. एक सेकेंड, यस देखिए,
इतनी बातें हमने समझी। यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में देखा था कि डेंड्रॉइड्स जो होते हैं उनके पास मैकेनिकल गेटेड और लाइगेंड गेटेड दोनों टाइप के चैनल्स होती हैं, बट डिपेंड करता है कि कौन सी चैनल ओपन होगी, कि सिग्नल कैसे आया। अगर सिग्नल प्रेशर की वजह से आया तो मैकेनिकल गेटेड आयन चैनल होगी, और अगर सिग्नल हमारा आता है किसकी वजह से, न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से, तो लाइगेंड गेटेड आयन चैनल्स ओपन होंगे। ओके, सो इट डिपेंड्स कि कौन सी चैनल ओपन होगी। दोनों में से कोई से भी चैनल ओपन हो, मेन काम उनका होगा कि यहाँ पे 60 -60 का डिफरेंस क्रिएट करना, -10 का एक्चुअली डिफरेंस क्रिएट करना, क्योंकि पहले -70 का होता है, जो रेस्टिंग सेल्स होती हैं उसका वोल्टेज कितना होता है -70, और उसमें -60 का डिफरेंस क्रिएट करना कि इनका काम है आइदर मैकेनिकल गेटेड चैनल और द लाइगेंड गेटेड चैनल। ठीक है, सो इतनी बात क्लियर हुई कि यहां से जैसे सिग्नल आता है न्यूरो फाइब्रस की हेल्प से वो ट्रेवल करता है एक्सोन हिलॉक रीजन की तरफ। इस एक्सोन हिलॉक रीजन से ट्रिगर होता है एक्शन पोटेंशियल। वी डिस्कस अबाउट दिस रीजन कि ये हमारी माइलिनेटेड अगर फाइबर है हमारा, तो उसके अंदर यहाँ पे माइलिन शीथ प्रेजेंट होता है, और माइलिन शीथ के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है इसे हम कहते हैं नोड ऑफ रानवियर। ठीक है, इस नोड ऑफ रानवियर की खास बात हमने यहाँ पे देखी थी। यस, इस नोड ऑफ रानवियर से सॉलिटरी कंडक्शन होता है। एक टर्म आता है जो आप सभी डील करते हो कि व्हाट इज सॉलिटरी कंडक्शन। ठीक है, सो देखिए आपके न्यूरोनल सेल दो टाइप के हैं, माइलिनेटेड नॉन माइलिनेटेड, वी डिस्कस्ड अबाउट दैट। अगर आपका न्यूरोनल सेल माइलिनेटेड होता है तो उसके बेनिफिट क्या होंगे उस न्यूरोनल सेल को। बेनिफिट पहली चीज के इंसुलेशन प्रोवाइड करेगा, कोटिंग की तरह काम करेगा। दूसरा बेनिफिट ये था कि अगर ये माइलिनेटेड होगा तो ये रीजन तो कवर हो गया, इस रीजन में तो कोटिंग हो गई, तो ऑब्वियस सी बात है इस रीजन में तो आयन चैनल्स की जरूरत नहीं। अब आयन चैनल्स अगर यहाँ नहीं होंगे तो फिर यहां से तो आयन का ट्रांसफर भी नहीं हो सकता। और एक्शन पोटेंशियल जनरली क्या है, एक्शन पोटेंशियल इज सिंपली आयन का ट्रैवल होना। ठीक है, आयन कब ट्रैवल करेंगे, एक्शन पोटेंशियल कब जनरेट होगा, जब वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल और पोटासियम चैनल दोनों प्रेजेंट हो। सो इस माइलिन शीथ का प्लस पॉइंट क्या होता है सेल को, कि इस माइलिन शीथ के प्रेजेंस की वजह से जो आयन चैनल्स होती है सिर्फ नोड ऑफ रानवियर रीजन के अंदर प्रेजेंट होती है। इसलिए जितना भी यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेशन होता है वो सिर्फ इस सेगमेंट के अंदर इंड्यूस होगा, फिर इस सेगमेंट के अंदर इंड्यूस होगा, यानी कि इस बीच वाले पोर्शन की एक तो एनर्जी स्टोर हो गई। ठीक है, आप सोचिए एक हमारे पास कंप्लीट इतना वायर है, आपको इस पूरे एक्सोन, ये हमारा मान लो एक्सोन रीजन है, तो इस पूरे एक्सोन रीजन के अंदर एक तो आपको चार्ज को फ्लो करना पड़ेगा, यहाँ पे हर जगह यहाँ पे चैनल्स लगानी पड़ेंगी, हर जगह पे यहाँ पे पोटेंशियल में डिफरेंस क्रिएट होगा, एक सेगमेंट में एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, फिर दूसरे सेगमेंट में होगा, फिर तीसरे में होगा। सो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। ठीक है, क्योंकि न्यूरोनल सेल को बहुत फास्ट काम करना होता है, इसलिए मॉडिफाई हो जाती है, उनके अराउंड एक माइलिन शीथ बन जाता है। उसका प्लस पॉइंट इनका ये होता है कि इस रीजन के अंदर ही हमारी चैनल्स की सॉरी चैनल्स प्रेजेंट होगी, जिससे क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे चैनल्स प्रेजेंट है तो जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा वो सिर्फ इस रीजन में होगा। ठीक है, नेक्स्ट रीजन में जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा वो इस रीजन के अंदर होगा, मतलब नोड ऑफ रानवियर में होगा। ठीक है, इसका प्लस पॉइंट क्या होता है कि ये जो रीजन है इसके अंदर किसी भी तरीके का चेंज नहीं आ रहा, तो ऑब्वियसली बात है पहली चीज तो एनर्जी बच रही है, दूसरी चीज जो स्टिमुलस ट्रैवल कर रहा है वो बहुत ही फास्ट कर रहा है, इसलिए हम कहते हैं जंपिंग। ये जो आपका इलेक्ट्रिक चार्ज है ये जंपिंग टाइप का एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है अगर आप माइलिनेटेड शीथ की बात करते हैं तो। जंपिंग का मतलब कि यहाँ पे एक बार एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, फिर उसके बाद इस रीजन में हुआ, तो मतलब वो जंप ही तो कर रहा है ना, क्योंकि बीच में तो कोई आयन चैनल प्रेजेंट ही नहीं है, तो हम उसे कहते हैं जंपिंग नेचर का। कि अगर आपका शीट माइलिनेटेड है, एक्सोनल रीजन अगर माइलिनेटेड है, तो सिर्फ जो आपका एक्शन पोटेंशियल जनरेशन होगा वो सिर्फ नोड ऑफ रानवियर रीजन के ऊपर ही होगा। ठीक है, सो सिंपली यहाँ पे क्या होता है, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन होती है, इन्फ्लक्स होता है पोटेशियम सॉरी सोडियम आयन का, और वापस से इस रीजन का एक बार डिपोलराइजेशन होने के बाद रिपोलराइजेशन होता है, और दूसरे सेगमेंट के अंदर यहाँ से कुछ सोडियम आयन डिफ्यूज हो जाते हैं, अगेन इस रीजन के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, फिर से सोडियम चैनल ओपन हो गई, फिर से डिपोलराइजेशन हो गया, जैसे डिपोलराइजेशन हुआ वापस इस रीजन का रिपोलराइजेशन होने लगेगा। सो इस प्रोसेस को, इस टर्म को हम लोग कहते हैं सॉलिटरी कंडक्टेंस। ठीक है,
solitary conduction of nerve impulses. I hope you guys understand this concept. Okay, so iska theory portion main aapko dikhati hu. Solitary conduction of nerve impulses. This type of conduction occur in myelinated fiber, only in case of myelinated fiber, because non-myelinated के अंदर तो axon region जो होता है वो uncover होता है. So उसके हर एक part के अंदर आपके voltage gated sodium और potassium channel present होती है, इसलिए sodium का influx और potassium का out, यानी कि उनका efflux हर पूरी की पूरी मतलब along the axonal region होता ही होता है. ठीक है, ओके. माइलिन की अगर बात करें, माइलिन एक फैटी मटेरियल होता है विद अ हाई इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस एंड एक्ट एज अ इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर इन द सेम वे एज द रबर एंड प्लास्टिक कवरिंग ऑफ द इलेक्ट्रिकल वायरिंग. वी डिस्कस्ड अबाउट दैट कि माइलिन बेसिकली इसकी जो नेचर होती है ये लिपिड का बना होता है. लिपिड का मतलब फैटी मटीरियल, और फैट का मेनली काम यही होता है इंसुलेशन का, इंसुलेशन प्रोवाइड करना. इवन अगर हम हमारी पूरी बॉडी की बात करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि फैट जो होती है वो एडिपोज टिश्यू के अंदर स्टोर हो जाती है ना, आप सभी को पता है. सो जितना आपकी बॉडी के अंदर एडिपोज टिश्यू होता है उसके कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं और उसके कुछ आपके ड्रॉबैक्स भी होते हैं. सो एडिपोज टिश्यू अगर आपकी बॉडी में ज्यादा होगा तो आपकी बॉडी को पेन कम होता है. ठीक है, इस चीज को आप ऐसे समझिए कि एक मोटा आदमी है और एक पतला आदमी है. एक मोटा आदमी है उसके अंदर एडिपोज टिश्यू का अमाउंट ज्यादा होता है तो वो उसको इंसुलेशन अच्छा खासा मिलता है, यानी कि अगर वो गिर भी जाए तो उसे उतनी चोट नहीं लगेगी जितने एक पतले आदमी को लगेगी, बिकॉज पतले आदमी में एडिपोज बहुत कम होता है इसलिए उसके लगने के पेन के चांसेस ज्यादा होते हैं. तो फैटी मटेरियल का मेनली काम क्या होता है, आपके बॉडी को एनर्जी तो ये प्रोवाइड करता ही है बट ये आपके बॉडी को एक हम लोग बोल सकते हैं इंसुलेशन कोट भी प्रोवाइड करता है. और माइलिन शीथ का आपके एक्सॉन के अंदर यही काम है कि वो इंसुलेशन प्रोवाइड करता है जस्ट लाइक योर इलेक्ट्रिक वायर की तरह. ब्रेक इन द माइलिन शीथ अकर नोन एज नोड ऑफ रानवियर. नोड ऑफ रानवियर, आई होप यू अंडरस्टैंड दैट इट इज ओनली एट दीज नोड लोकल सर्किट्स आर सेटअप. ठीक है, लोकल सर्किट्स का मतलब सिर्फ इसी रीजन के ऊपर आपके वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल्स प्रेजेंट होंगे. ठीक है, सो दिस मींस इन इफेक्ट दैट द एक्शन पोटेंशियल जंप, ठीक है, एक्शन पोटेंशियल जो है वो जंप करता है फ्रॉम नोड टू नोड एंड पासेस अलोंग द माइलिनेटेड एक्सोन फास्टर एज कंपेयर टू द सीरीज ऑफ स्मॉल लोकल सर्किट एज नॉन माइलिनेटेड एक्सोन. इसलिए हमारी बॉडी के अंदर मोस्ट ऑफ द न्यूरॉन्स जो है वो माइलिनेटेड होते हैं क्योंकि उससे फास्ट स्टिमुलस ट्रेवल करता है. ठीक है, this type of conduction is called the solitary conduction and leakage of ion take place only in node of Ranvier and less energy is required for solitary conduction. So ye dono point maine aapko bataye ki solitary conduction kise kehte hain, node of Ranvier se action potential ka jump karna solitary conduction kehlata hai. theek hai, aur iske fayde kya kya hai, myelin sheath ke fayde kya hai, pehli cheez wo insulating coat provide karega. दूसरी चीज, एनर्जी कम खर्च होगी न्यूरोनल सेल की ना, क्योंकि उसे कम वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स लगानी पड़ेंगी, कम चैनल्स होंगी, कम एनर्जी उसे देनी पड़ेगी, है ना, तो लेस एनर्जी लगेगी और स्टिमुलस भी फास्ट, यानी कि कम कीमत के अंदर कम लागत के अंदर ज्यादा काम होगा. क्लियर, ओके, यस. तो यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बताती हूँ. देखिए, मैंने लास्ट लेसन में आपको बताया था कि जो हमारे साइनेप्टिक रीजन से स्टिमुलस ट्रेवल करता है वो दो प्रिंसिपल को फॉलो करता है. पहला प्रिंसिपल वन वे कंडक्शन और दूसरा प्रिंसिपल ऑल और नन लो. ठीक है, लेट मी राइट इट हियर. फर्स्ट प्रिंसिपल इज ऑल और नन लो एंड सेकेंड इज वन वे कंडक्शन. अब इसका मतलब क्या है, ऑन और नन लो का मतलब ये है, लास्ट वे भी मैंने आपको बताया था, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर दो टाइप की सेल्स होती है जिनकी नेचर है एक्साइटेशन. हमारी बॉडी में सिर्फ नर्व सेल्स या नर्व फाइबर हम कह सकते हैं और जो हमारी मसल्स फाइबर्स होती है इन्हीं के पास कैपेबिलिटी है कि ये एक्साइट हो सकती है. ठीक है, क्योंकि इन्हीं के अंदर ही पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है, सेल के अंदर पोलैरिटी जनरेट होती है, इसलिए यही दो टाइप की सेल्स है जो एक्साइट हो सकती है. अब वन वे कंडक्शन क्या कहता है, पहले वन वे कंडक्शन को समझ लेते हैं. वन वे कंडक्शन का मतलब ये होता है कि जो भी सिग्नल ट्रांसमिट करेगा वो एक सिंगल डायरेक्शन में ट्रांसमिट करेगा.
ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं होता कि साइनेप्सिस से सिग्नल वापस जा रहा हो। वापस इन द सेंस कि सिग्नल हमेशा डेंड्रॉइड से एक्सॉन, एक्सॉन से एक्सॉन टर्मिनल तक ही ट्रैवल करेगा। कभी भी सिग्नल एक्सॉन टर्मिनल रिसीव नहीं करता, एक्सॉन टर्मिनल से डेंड्रॉइड्स की तरफ सिग्नल नहीं जाता। उसका एक रीजन ये भी है कि मैंने आपको बताया, यहां से देखिए, हमारे डेंड्रॉइड्स होते हैं उनके पास रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और इन डेंड्रॉइड्स के पास ही कैपेबिलिटी है कि सिग्नल को रिसीव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि रिसेप्टर सिर्फ डेंड्रॉइड्स के पास प्रेजेंट होते हैं, एक्सॉन के पास रिसेप्टर्स नहीं होते। एक्सॉन टर्मिनल से सिर्फ आपके जो साइनेप्टिक नोब्स है उनका फ्यूजन होता है, ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं सिग्नल हमेशा वन वे कंडक्शन, एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करता है। दूसरी चीज, यहाँ पे बहुत सारे न्यूरो फाइबर्स प्रेजेंट है, ये बात मैंने आपको जब स्ट्रक्चर समझाई थी तब भी कहा था, और ये न्यूरो फाइबर्स और माइटोकॉन्ड्रिया अलोंग द एक्सोन रीजन प्रेजेंट होते हैं। यहाँ भी बहुत सारे न्यूरो फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ भी बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं। ये न्यूरो फाइबर भी वन वे कंडक्शन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि सिग्नल को यहां से इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में ट्रैवल करने में हेल्प कर। पहला लो समझ आया, दूसरे की बात करते। ऑल और नमला कहता है कि स्ट्रेंथ ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ अ नर्व सेल और अ मसल सेल इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द स्टिमुलस, ठीक है। मतलब ये कि कितना रिस्पॉन्स आपकी मसल सेल्स या नर्व सेल्स दिखाने वाली है, शो करने वाली है, वो स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। देखिए इस चीज को आप इस इमेज से समझिए, आपको कोई पिन पिंच करती है, ये आपकी स्किन है, स्किन के अंदर बहुत सारे हमारे सेंसरी न्यूरॉन पड़े हुए हैं, वो जिसका काम है स्टिमुलस को रिसीव करना, और कैसे करेंगे, मैकेनिकल गेटेड आयन चैनल की वजह से। क्यों? क्योंकि जैसे मान लो आपके पास ये जो आयरन पिन है, इस पिन से आप जब अपनी स्किन को पिंच करते हो तो आपकी जो स्किन के नर्व सेल्स के जो डेंड्रॉइड्स होते हैं वो प्रेशर की वजह से नीचे की तरफ पुश होते हैं, है ना। तो ये आपकी जो पिन है उससे आपको पिंच किया, तो आपके जो नर्व सेल्स हैं, अगर आपको हल्के से पिंच किया गया है तो मतलब वीक स्टिमुलस है, ठीक है। आपकी बॉडी के अंदर जो हमारे सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं ना, थ्रू आउट द डे वो इतने सारे सिग्नल्स को रिसीव करते हैं, बहुत सारे सिग्नल को रिसीव करते हैं, लेकिन आपने कभी सोचा कि हमारी बॉडी क्या हर एक सिग्नल को रिस्पॉन्स करती है? नहीं, हमारी जो बॉडी है वो पहले डिटेक्ट करती है कि क्या मुझे इस सिग्नल को रिस्पॉन्स करना चाहिए या नहीं, यानी कि स्टिमुलस की स्ट्रेंथ को देखा जाता है, ठीक है। अगर वीक स्टिमुलस है तो आपकी बॉडी रिएक्ट नहीं करेगी। आपको किसी ने सिर्फ पिंच किया, जरा सा हल्का सा पिंच किया, आपको पेन नहीं हुआ, तो आप उसे रिस्पॉन्स नहीं करोगे। आप कहोगे ओके कोई बात नहीं, ठीक है, हल्का सा है, ओके। बल्कि कई बार तो स्टिमुलस ऐसे होते हैं आपको पता भी नहीं चलता कि आपको कहीं से आपको पिंच भी हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा वीक स्टिमुलस है, यहाँ पे आपकी सेल जो है वो एक्साइट नहीं होगी। एक्साइट क्यों नहीं होगी? क्योंकि वीक स्टिमुलस की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर चेंजेस नहीं आए। ये बात मैंने आपको बताई थी कि मैकेनिकल गेटेड चैनल्स तो ओपन हर बार होंगी। कब होंगी? जब भी आपको स्टिमुलस आएगा, लेकिन वो आपका इनिशिएशन कब होगा? जब उनकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस में क्रिएशन आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस में चेंज आएगा। सो वीक स्टिमुलस आया, आपकी बॉडी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। मॉडरेट स्टिमुलस आया, आपकी बॉडी ने एक बार के लिए रिस्पॉन्स किया, उसको फिर इग्नोर कर दिया, क्योंकि आपको लगा कि नहीं ठीक है, इसके लिए रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब किसी ने आपको पंच दिया, आपको किसी ने मुक्का मारा, तो अब आपकी बॉडी कहेगी नहीं भाई, स्टिमुलस की जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा है, और अब मेरी जो सेल्स है वो एक्साइट भी हो चुकी है, सिग्नल मेरे ब्रेन तक जा चुका है, मेरे ब्रेन ने सोचा अब तो मुझे रिस्पॉन्स करना पड़ेगा, रिएक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये आपका ऑल और नन ला कहता है कि अगर एक्साइटेशन हुआ तो सारी रेस्पेक्टिव सेल्स एक्साइट होगी, और अगर एक्साइटेशन नहीं हुआ तो फिर कोई सेल एक्साइट नहीं होगी। मतलब ये कि अगर सेल को स्ट्यूमुलस प्रॉपर अमाउंट में मिल रहा है तो वो एक्साइटेशन एक्शन पोटेंशियल होगा, और अगर एक बार एक्शन पोटेंशियल जनरेशन हुआ तो हमारे ब्रेन तक कमांड जरूर जाए, ठीक है। फिर ब्रेन डिसाइड करेगा कि उसे किस तरीके से उसके ऊपर रिएक्ट करना है, किस तरीके से उसे उसके ऊपर रिएक्ट नहीं करना है। क्लियर? ओके, सो आई होप आज का लेक्चर आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद हमारे साइनेप्सिस के डिफरेंट टाइप्स रहते हैं, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे।